हेलो क्लास, तो बच्चा लो हम लोगों ने नंस इक्वेशन कर चुके हैं, हमें वैल्यू पता चल गई है नंस इक्वेशन को, कैसे डिराइव किया था हमने और इससे हम क्या निकाल सकते हैं। इससे हम निकाल सकते हैं आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब, जब आपकी कंडीशन क्या हो, नॉन स्टैंडर्ड हो, और हमें दिया क्या हो, स्टैंडर्ड कंडीशन दी हुई हो। अब बच्चा ये जो क्यू था जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था कि ये क्यू क्या है और इसको कैसे निकालते हैं, वो हम अब इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आपकी जो एप्लीकेशन की नंस इक्वेशन के नाम से मैंने ये आपका वीडियो स्टार्ट किया है, ये जो नंस इक्वेशन है ये आपकी अप्लाई होती है दोनों हाफ इक्वेशन के लिए या कंप्लीट सेल के लिए। हाफ इक्वेशन मतलब या तो जिसमें हम सिर्फ एनोड की बात कर रहे हो या फिर सिर्फ कैथोड की बात कर रहे हो, और कंप्लीट रिएक्शन क्या होती है, मानी जिसमें जिंक आपका प्लस टू और आपके कॉपर जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन लेके आपका दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में वो शेयर करते हैं, तो इस तरह से वो रिलीज करता है और वो उसको एक्सेप्ट करता है, वो जो आपकी ओवरऑल रिएक्शन थी। तो कंप्लीट सेल के लिए या आपकी हाफ रिएक्शंस के लिए, दोनों के लिए आपका एप्लीकेबल है, अप्लाई होता है। अब जिस तरह से आपकी टेबल 3.1 में जो दिया हुआ है इक्वेशन इस तरह से दी हुई है, एम आपकी कोई भी मेटल होगी, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टू होंगे, वन होंगे, यहाँ पे जितने आप उसने रिलीज करे हैं, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे हैं उसके बाद वो क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। तो इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में होगी, ठीक है बच्चा। अब जो हमने क्यू की बात की थी कि क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब ये चीज प्रोडक्ट आपका ये है और रिएक्टेंट क्या है आपका ये है। अगर मैं इसको बात करूं, ये आपका रेशियो होगा एम जो कि आपका प्रोडक्ट है अपॉन एम एन प्लस जो कि आपका क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे हम किस टर्म में बात करेंगे, इनको मोलैरिटी के टर्म में बात करेंगे। यहाँ जो दोनों के लिए हम बात करेंगे वो किस टर्म में होगी, कंसेंट्रेशन मोलैरिटी के कंसर्न उसमें कन्फर्म में। तो बच्चे इसमें आगे एक न्यूमेरिकल दिया है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, फिलहाल हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो सॉलिड के लिए जो कंसेंट्रेशन होती है, क्यू की जो वैल्यू होती है ये आपकी होती है वन, तो इसका मतलब जो जेड एन सॉलिड के फॉर्म में है उस समय इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो अगर मैं ये वैल्यू आपकी इक्वेशन में रख दूँ क्यू की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आपका ई, आपका ई सेल, क्योंकि यहाँ पे मैं एम के लिए निकाल रही हूँ आपकी कोई मेटल के लिए, मुझे नहीं पता अभी कि ये आपका एनोड है कि कैथोड है, आई डोंट नो अबाउट इट, बस ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे आपका ई नोट आ गया माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग आपका नेचुरल लॉग अपॉन क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब मैंने क्या बोला कि जो सॉलिड के लिए क्यू जो होता है वो क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू क्या रख दूंगी, वन रखूंगी। तो वन अपॉन क्या हो गया आपका एम एन प्लस हो गया। यहाँ से अगर मैं इसको आपको सारी वैल्यू पुट करके, दैट इज टी इज इक्वल टू 298 केल्विन, आर इज इक्वल टू 8.34 आपका, और आपका एफ की वैल्यू दैट इज 96500 रख के जो आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आपका ये बन जाएगा लॉग 10 के टर्म्स में, ठीक है बच्चा। अब आप देखिए जब मैं सिर्फ एनोड की बात करूँ, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, अपने हाफ सेल ले रहे हैं, कैसे था हमारा बीकर थे तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड थी, इसके अंदर इसकी इलेक्ट्रोड थी, एक आपका सॉल्ट ब्रिज था, और यहाँ पे आपका क्या लगा था, वोल्ट मीटर लगा था जो क्या काम कर रहा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करने के काम आ रहा था। तो अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देखी थी आपने, जिंक जो था आपका यहाँ से क्या होता था, ब्रेक होके जेड एन प्लस टू में चेंज हो जाता था और दो इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज करता था। तो यहाँ पे क्या किया, जिंक था आपका सॉलिड स्टेट में, वो आपका जेड एन प्लस टू किस में चला गया, एक्वस में चला गया आपके जेड एन एसओ फोर के सॉल्यूशन के अंदर, और आपके दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। यही इक्वेशन है, बिल्कुल सही है। तो अब जो आप इसका हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालोगे हाफ सेल के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, जेड एन प्लस टू चेंज हो रहा है आपका जेड एन में, यहाँ पे ई नॉट सेल होगा आपका जेड एन प्लस टू जब आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तब माइनस 0.059 एन लॉग बेस 10 वन अपॉन जेड एन प्लस टू, क्योंकि यहाँ पे भी जेड एन जो एस है वो क्या होगा आपका वन होगा, ठीक है बच्चा। चलिए इसी तरह से कैथोड के लिए भी क्या होगा, कैथोड आपका प्लस टू से दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, कॉपर बना दिया इसने, तो अब यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन गया सी, इस स्टेट में भी आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी रिएक्शन को उल्टी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, C
Cu है आपका, इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं और क्या बना दिया इसने आपका Cu, सॉरी Cu आपका है, इसने आपके Cu प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉम्प्रोमाइज, सही तो है इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया है, नीचे की तरफ आपका क्या आएगा Cu प्लस टू और ऊपर जो कॉपर है वो आपका क्या होगा जीरो ही, सॉरी वन वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे रिएक्शन को हमें उल्टा करके लिखना पड़ेगा, इसको भी इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज Cu आपका सॉलिड है, ये आपका बन रहा है कॉपर प्लस टू और इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं इस समय, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इसलिए आपको ये इक्वेशन इसी तरह से लिखनी पड़ेगी नीचे वाली। तो इस समय जो आपका प्रोडक्ट जो बन रहा था, आपका जो नीचे निकल रहा था वो क्या था, Cu प्लस टू निकल रहा था। तो ये अगर हाफ हाफ फॉर्म में लिखोगे इस तरह से होगा। अगर मैं इसकी ओवरऑल रिएक्शन की बात करूँ, कंप्लीट रिएक्शन की बात करूँ, तो कंप्लीट रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था हमारा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पे मैं दोनों की वैल्यू पुट कर दूँ, आपकी ई सेल की वैल्यू ये आ गई कैथोड के लिए और एनोड के लिए आपकी वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ पे देखिए आप, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मैं एक साथ लिख लूँ तो ये आपका यहाँ पे आ गया Cu प्लस टू कॉपर और ये आपका Zn प्लस टू Zn, ये आ गया माइनस आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी प्लस में होगी। तो ये जो आपकी प्लस है ये याद रखना, ये हमेशा क्या होगी ऊपर आएगी, ये ध्यान रहने वाली बात है। यहाँ पे जो नेगेटिव है वो नीचे रहेगा, जो पॉजिटिव है वो ऊपर आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस ये आपकी जो वैल्यू होती है, ये क्या होती है किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, इसको मैं ई सेल की तरह से लिख सकती हूँ। तो ये ई नॉट सेल हो गया आपके ओवरऑल सेल का माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 जेड एन प्लस टू अपॉन सी यू प्लस टू। अब यहाँ पे जो एन है उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, टू होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक हो रहा है, Zn अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर उसके दो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसलिए यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो मैं अगर ओवरऑल फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दूँ तो आपको एट द एंड ये वैल्यू आपको दिखाई देगी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो ई सेल है ये आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, Zn प्लस टू और Cu प्लस टू की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, Zn प्लस टू और Cu प्लस टू की कंसेंट्रेशन पे। अगर आपका Cu प्लस टू की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे उल्टा है क्योंकि लॉग बेस 10 क्या करता है, हमें वैल्यू अलग देता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉपर था वो आपका पॉजिटिव में था, जिंक जो आपका नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पे ई सेल आपका बढ़ेगा कब, जब कॉपर Cu प्लस टू की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी, और घटेगा कब, जब Zn प्लस टू की कंसेंट्रेशन कम होगी, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये जनरल की बात करूं मैं, एक जनरल फॉर्मूला आपका डिराइव्ड होगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके ए के इतने हैं और बी के हैं बी और यहाँ पे आपकी रिएक्शन बन रही है सी और डी, तो इस तरह से आप ई सेल जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके ब्रैकेट के बाहर आएंगे, उसके मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, उसके स्क्वायर में आएंगे एक तरीके से। तो यहाँ पे ये आपका ओवरऑल एक फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बस आपको याद करना है, कभी भी डेरिवेशन नहीं आता है कि कैसे निकालना है, इन पे बेस सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए हमें न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। ये मत पूछना मैम ये टर्म कैसे आई, क्योंकि आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से चीज़ें आपकी आई है, ये चीज़ आपकी पिछली वाली वीडियो से ही आई है, और पिछली वाली अभी हमने जो इससे पहले वाला पेज पढ़ा था, यहाँ पे जो सी और स्मॉल डी वगैरह क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल्स है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बुक में कि ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें यहाँ पे आपको उसकी मोलर कंसेंट्रेशन भी दी हुई है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ई नॉट की वैल्यू दी हुई है और पूछा है आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी है, मतलब कब, जब आपकी कंडीशन क्या हो, स्टेबल नहीं हो, उसके स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हो। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल माइनस 0.59 अपॉन एन लॉग एम प्लस टू, एम प्लस टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम प्लस टू आपका क्या था, यहाँ पे प्रोडक्ट का था, अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट आपका ये था और प्रोडक्ट आपका ये है। अब यहाँ पे आप देखो कि मैं अगर बात करूँ उस टर्म में कि कौन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन रिड्यूस हो रहा है, उस टर्म में अगर फॉर्मूला लिखती हूँ इसको, तो आप अपने वो पहले वाले फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, एम जी आपका जीरो है,
जीरो से ये किस में हुआ है, एमजी प्लस टू में, मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑक्सीडाइजेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है, एनोड पर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये एनोड अपॉन कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे Ag प्लस था, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लिया है, Ag बना लिया है। तो एनोड अपॉन कैथोड, ये आपकी इस तरह से टर्म आएगी यहाँ पे, ठीक है बच्चा। चलिए तो देखते हैं इसको। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने टू लगाया है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने यहाँ पे ये टू लगा रखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए हैं, इसके टू दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टू, और यहाँ पे एन की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चा बताइए, एन की वैल्यू भी क्या निकलेगी, टू निकलेगी। क्यों, क्योंकि एम जी जब ब्रेक होता है तो वो दो इलेक्ट्रॉन आपके निकालेगा, एम जी प्लस टू में हुआ है, वहीं पे आपका एक ए जी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दो ए जी कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो सांझा हो रहा है, एक वो लूज कर रहा है, वो ले रहा है, तो वो कितने हैं, दो है। तो यहाँ पे हमेशा एन क्या मिलेगा आपको इस इक्वेशन में, टू मिलेगा, और यहाँ पे ए जी प्लस टू की पावर आपको टू दी हुई है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एम जी प्लस टू की कंसेंट्रेशन आपको ये दी हुई है, ये वाली, और ए जी प्लस ए जी की कंसेंट्रेशन ये दी हुई है। अब इसका आपको स्क्वायर निकालना है और लॉग निकालना, मैं आपको जल्दी ही अपकमिंग वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। अभी इसके बाद एक सिंपल सा आपका टॉपिक है, उसके बाद, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी लॉग निकालने के लिए आएगी, ठीक है बच्चा। लो तो यहाँ पे हम ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आई होप क्लियर हुआ हो। एक बार इसको दोबारा देखना, वीडियो को एक बार नहीं समझ में आए तो तीसरी बार देखना, करत करत अभ्यास है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना आपको, क्योंकि अभी बायो वालों के लिए थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, लॉग है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स है, इस टाइप के, तो आपको प्लीज़ ध्यान देना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ देखनी जो मैंने लिखा है। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो आपको टेबल दी हुई है आप उस टेबल में से इस तरह के आप अपने फॉर्मूले खुद ही बना सकते हो, उस टेबल में से किसी को भी उठाओ और किसी को भी उठा के इस तरह के आप अपने न्यूमेरिकल आप निकाल सकते हो और वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है बच्चा। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।